मैं फरहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन मीडिया बुक। बेंगलुरु में डिटेंशन सेंटर बन के तैयार हो चुकी है, इसका चर्चा फिर से शुरू हो गया है क्योंकि हमारे जो कर्नाटक के होम मिनिस्टर हैं मिस्टर वसवाराज, उन्होंने 18 अक्टूबर को ये कहा कि ये डिटेंशन सेंटर तैयार हो गया है और इसमें फॉरेनर को रखा जाएगा। अब यहाँ थोड़ा डाउट है कि पहले का इनका जो स्टेटमेंट था, ये कहा गया था कि NRC को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा, उसके बाद जब ये तैयार हो गया तो ये कहते हैं कि यहाँ पे फॉरनर को रखा जाएगा जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया। लेकिन बात ये, इस डाउट के बारे में क्लियरिटी लेने के लिए हमने बुलाया है ताहिर भाई को और ताहिर भाई से पूछे हैं इसकी सच्चाई क्या है। ताहिर भाई, आपने उनका न्यूज़ देखा होगा जी, तो आप क्या कहते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो डिटेंशन सेंटर जो इन्होंने बनाए हैं या NRC के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं, एक फेयर साइकोसिस क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये डिटेंशन सेंटर फॉरेनर एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए, और डिटेंशन सेंटर सिर्फ उन लोगों के लिए बन है ये जो फॉरेनर लोग ओवरस्टे कर देते हैं, और जब ओवरस्टे होने का जो पकड़े जाते हैं तो उनको कंपनी अपनी कंट्री को डिपोर्ट करने के लिए एक अरसा उनको लगता है। तो उस अरसे के दौरान इन डिटेंशन सेंटर में इन फॉरेनर्स को रखा जाता है। तो कर्नाटका में ये फॉरेनर ये डिटेंशन सेंटर बोल के नहीं था यहाँ पे, और ये पूरी दुनिया पूरी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ये दिल्ली के अंदर में था जो कि जहांगीरपुरी के इलाके में। अच्छा, तो अब फिर एक 2016 में एक केस हुआ जिसमें कि एक सुडानी नेशनल जिसका नाम क्रिस्टिन चिडरी चाकू था, उसने एक बेल एप्लीकेशन डाली थी और उसमें उसका ग्राउंड ये क्या था कि मैंने जो गुनाह किया है या जो मैंने जो वॉलेशन किया है वो मैंने वीज़ा रूल्स वॉलेशन किए हैं, तो इसके लिए मुझे क्या है जेल में नहीं रख सकते, मुझे डिटेंशन सेंटर में रखना है एज़ पर फॉरनर लॉज के हिसाब से। तो तब उसने स्टेट गवर्नमेंट को, तो कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को नोटिस दिया। तो नोटिस में आने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी, एक डाटा दिया कि 2011 से 12 से 13 से 14 से इतने इतने फॉरेनर्स लोग ओवरस्टे किए। तो कोर्ट ने पूछा कि अगर ये लोग ओवरस्टे करते हैं तो आप क्या करते हैं उसको, तो उन्होंने क्या बोला कि जेल में डालते हैं इनको जब तक ऐसा इनको जब तक रिपोर्ट नहीं करते या एग्जिट नहीं करते। तो उसने बताया कोर्ट ने कि भाई ये एक इलीगल प्रोसीजर है और फॉरेन एक्ट के हिसाब से तुम्हें डिटेंशन सेंटर बनाना है। तब 2016 को डिटेंशन सेंटर का ऑर्डर दिया हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि ऐसा डिटेंशन सेंटर तुम्हें ना ही सिर्फ बैंगलोर में और जो मेट्रो सिटीज में जहां पर फॉरेनर्स लोग आते हैं वहां बनाओ। तो उसी कवायद में एक बॉम्बे के अंदर, आपने देख सुना होगा थोड़े दिनों पहले बॉम्बे में भी नवी मुंबई में एक डिटेंशन सेंटर उसका भी बड़ा इशू हुआ, एक बॉम्बे के अंदर और एक कर्नाटका के अंदर, यानी कर्नाटका मतलब बैंगलोर नलमंगला के पास, इनकी कैपेसिटी सिर्फ 50 से 60 लोगों की है और इनमें वही लोग रखे जाएंगे जो लोग फॉरनर जो ओवरस्टे हो जाएंगे जिन्हें वीज़ा रूल को वायलेशन किया होगा। तो जब तक उनको अपनी कंट्री में भेजते हैं और जब तक वो एग्जिट करते हैं तब तक के लिए उनको एक डिटेंशन सेंटर रखा जाएगा। तो इसका कोई भी NRC से कोई इसका वास्ता नहीं है। और आज आपने देखा होगा एक रिपोर्ट भी आई है कर्नाटक गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग NRC नहीं डालें। एक्चुअली ये NRC के नाम पे मुसलमानों के बीच में खास तौर पे पूरी BJP लोग और डिवाइसिव फोर्सेस एक फेयर साइकोसिस क्रिएट कर रही हैं। एक्चुअली लॉ में वो लोग NRC ला ही नहीं सकते प्रैक्टिकली। जो NRC आसाम के ऊपर आया था उसकी एक अलग वजूहत थी, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था और एक असम अकॉर्ड था उसके पीछे। दूसरे जो NRC का जो ये लोग बात करते हैं हम लाएंगे लाएंगे लाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजनशिप रूल 2003 के अंडर में ला सकते हैं जो कि NPR के बेसिस के ऊपर बनेगा, जिसमें किसी को ना ही एप्लीकेशन देना है ना ही कोई किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे ना ही उनसे कोई पूछताछ होगी। ठीक है, तो एक बात ये कि क्या जिसका वीज़ा खत्म हो जाता है जी क्या इतना आसान है कि आसानी से वो लोग यहाँ रह जाते हैं? क्योंकि नहीं देखिए, एक तो पुलिस रिकॉर्ड होता है, स्टैंप जब लगता है बंदा कि ये इसको वैलिडिटी है 6 महीने या 3 महीने की, तो उसके बाद से उसको इमिडिएटली बोला जाता है तुम यहाँ से निकलो, तो क्या आसानी से लोग यहाँ रुक जाते हैं? नहीं, बेसिकली क्या होता है ये बेंगलोर शहर बहुत बड़ा है, यहाँ पे 60 लाख 70 लाख लोग रहते हैं। एक प्रोसीजर रहता है कोई फॉरनर आए तो FRO के फॉरन रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर उसको कॉन्टैक्ट करना होता है, उसको बताना था वो लोग कहाँ रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं एड्रेस चेंज कर देते हैं, अपना एड्रेस चेंज कर देते हैं। वो एड्रेस चेंज करने की वजह से पुलिस इनको ढूंढ नहीं पाती है और पुलिस के जो फोर्स है वो भी उसमें बहुत सारे काम लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से लिमिटेड पुलिस फोर्स होने की वजह से लोग बहुत देर तक बच जाते हैं। जब भी ये पकड़े जाते हैं इनको आराम से एग्जिट किया जाता है, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कोई भी एक अच्छी बड़ा इशू नहीं है।
और जो लोग मिनिस्टर्स ने बोला कुछ लोग यहाँ पर इलीगल बिजनेस करते हैं, ड्रग्स बिजनेस करते हैं, ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने वीजा लेके यहाँ रह रहे हैं और वीजा के लीगल स्टे के दौरान ये कुछ इलीगल एक्टिविटी में रहते हैं और ये सिर्फ लीगल एक्टिविटी में ज्यादातर कुछ लोग क्या है ड्रग्स के ऊपर है। अदरवाइज जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो कि आमतौर पर गल्फ से आते हैं उनका कोई लीगल इशू नहीं है, जो फॉरेन स्टूडेंट जो नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका से आते हैं उनका ही कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो ये एक प्रसेप्शन कि फॉरेनर लोग गलत करते हैं ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। फॉरेनर लोगों से बहुत हमारी इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होता है और अभी और इस बेंगलोर में आईटी के बाद बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स लोग आने लगे हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स आने लगे हैं और खासतौर और ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही होती है। मिडिल ईस्ट से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जो कि इंग्लिश सीखने के लिए, मिडिल ईस्ट से और अफ्रीकन कंट्री से आते हैं और अब भी ये ग्रेजुअली कम होते आ रहे हैं क्योंकि दूसरी कंट्रीज में और अच्छा ऑप्शन आने लग गए हैं, अब ग्रेजुअली कम हो गए और इनका जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इनका ओवरस्टे का प्रॉब्लम है। ओवरस्टे की प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था बेंगलोर के अंदर डिटेंशन सेंटर का। अब ये जो डिटेंशन सेंटर बना है ये कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर से बना है, ना ही बीजेपी ने बनाया है ना आरएसएस ने बनाया है और सिर्फ जो फॉरेनर्स जिन्होंने ओवरस्टे कर दिया है और जो इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं उनको एज ए सजा नहीं, एज ए प्रोविजनल मेजर के तौर पर उनके कंट्री में डिपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि कई लोग पासपोर्ट फाड़ देते हैं, कई लोग पासपोर्ट छुपा देते हैं तो उसके लिए उनको डॉक्यूमेंट बनने में थोड़ा दिन लगता है। तो क्योंकि क्या है गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर क्या है, अगर एक फॉरेनर को ओवरस्टे के लिए पकड़ लिया जाए तो क्या होता है एक इंक्वायरी होती है जी। जिसमें इंक्वायरी में क्या होता है कि जितने दिन भी वो स्टे रहे हैं जिस जिस जगह में वहाँ पे उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, उस इंक्वायरी में टाइम लगता है। उस इंक्वायरी की वजह से क्या होता है इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, मगर डिटेंशन सेंटर एक जेल नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन लोगों को सिर्फ एक अपने तरह की निगरानी में रखा जाए, कहीं और नहीं भाग पाए जी। ठीक है, तो ये क्लियर है ताहिर भाई कि इससे एनआरसी के डिटेंशन सेंटर से कोई लिंक नहीं है। बेशक इसका कोई लिंक नहीं है और मैं बार बार इसको बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं एनआरसी असम के स्टाइल में हिंदुस्तान में आ ही नहीं सकता, अगर आएगा तो हम लोग इसको पूरे लोगों को इसको हमें बायकॉट करना है। ठीक है, तो ताहिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था आकर इस पर रोशनी डालने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू ताहिर भाई।